हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार एकेडमी। मेरा नाम है रोनित घोष और आज जो हम लोग इस क्रोमेटिक मावतरण के ऊपर लेसन करने वाले वो है प्यार दीवाना होता है कि पार्ट टू। हाँ, पार्ट वन पार्ट टू क्यों, क्योंकि पार्ट वन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अगर वो उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखे तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके कलाकार एकेडमी रोनित सर करके प्यार दीवाना होता है ट्यूटोरियल करके अगर सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। उससे आप पार्ट वन सीखिए और अगर हो जाए तो उसके बाद आज का जो लेसन रहेगा वो पार्ट टू के लिए रहेगा, मतलब अंतरा के लिए लेसन रहेगा, तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। जो लोग ऑब्वियसली पिछले दिन सीख चुके तो वो तो आज से ही कंटिन्यू करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और देखते कि पैर दीवाना होता है पहले बजता कैसे है। इस क्रोमेटिक हारमोनिका के ऊपर एक डेमो ट्यून रहेगा और उसके बाद हम लोग नोटेशन को पकड़ते हुए जैसे हम लोग सीखते हैं हर दिन टाइम बार के साथ बोर्ड के ऊपर हम लोग सीखेंगे कि प्रोसेस कैसे धीरे 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 नोटेशन कैसे मतलब बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये था डेमो ट्यून। जैसे आप लोगों ने देखे कि पहले मैंने अंतरा बजाया और अंतरा दो बार बजता है, थोड़ा सा नोटेशन इधर उधर है दो बार में, और उसके बाद मुखड़ा फिर से रिपीट होकर खत्म होता है। तो ये पूरा प्रोसेस आज हम लोग सीखेंगे। हालांकि मुखड़ा तो सीख ही चुके हैं, वो तो हो गया। अंतरा की जो दो पार्ट है, मतलब अंतरा दो बार बजता है और दो बार में थोड़ा सा हल्का सा नोटेशन चेंज है, वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बोर्ड के ऊपर चलते हैं, पहले नोटेशन लिखते हैं और उसके बाद एक एक लाइन को पकड़ के देखते हैं कि कैसे कैसे नोटेशन आगे निकलता है। ना स्टार्ट करते, ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, प्यार दीवाना होता है, प्यार दीवाना होता है, आज है आपका अंतरा, अंतरा की लेसन। ठीक है, तो जो पहला लाइन की नोटेशन है हम लोग अंतरा से लिखते हैं अंतरा। ठीक है, मुखड़ा तो हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, तो अंतरा की पहला जो लाइन की नोटेशन है वो है ऐसे। इसका मतलब डबल टाइम, जैसे मैंने बताया था कि गाना दो टाइम बजता है, अंतरा दो टाइम बजता है, उसके बाद मुखड़ा रिपीट होती है। ठीक है, तो टाइम बार शुरू किए उसको लेकर, तो पहला जो नोटेशन है आपका धा से स्टार्ट होती है और बजती है आपका धानी सा धानी सा धानी सा धानी सा। कोमल नहीं है, आपको याद रखनी है जो कि कोमल नहीं है। कोमल नहीं मतलब धा को प्रेस करना होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा है। और उसके बाद सा 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 सा। अच्छा, एक तो इसको तो टाइम बार दे देते टाइम बार, और इसको जाकर खत्म होता है टाइम बार। ठीक है, ये है आपका पहला लाइन की जो नोटेशन है वो ये है कि धानी सा। अच्छा, आपको याद है कि टाइम बार पे हम लोग रुकते नहीं थे। हम लोग कहाँ रुकते थे, अगर कोई डैश होगा, कोई डैश होगा या फिर कोलोन होगा, मतलब जो नोटेशन गैप रहती है तो उसमें हम लोग रुकते हैं। टाइम बार बस ये डिनोट करती है कि हर एक जो टाइम बार है उसमें कितने कितने बीट चलती है। अगर इसमें चार बीट है तो इसमें भी चार बीट चलेगा, इसमें भी चार बीट चलेगा, इसमें भी चार बीट चलेगा, पूरे गाने में चार बीट चलेगा। तो जैसे हम लोग पहले दिन भी देख चुके हैं कि इसमें चार चार बीट करके चलती है। ठीक है, जैसे इसमें भी आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये एक बीट है, हालांकि नोटेशन गैप है, पर वन फुल नोटेशन गैप, तो वन बीट टू बीट मतलब फर्स्ट बीट सेकंड बीट थर्ड बीट फोर्थ बीट। फिर इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें भी फर्स्ट बीट में नोटेशन है, सेकंड बीट खाली, फिर थर्ड बीट नोटेशन है, फिर फोर्थ बीट खाली, इसमें भी सेम। तो ये हुआ, तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, हम लोग टाइम बार पे रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, धानी सा धानी सा 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 सा, सा को खींच रहा है क्योंकि सा के बाद डैश है, तो सा 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 सा। तो फिर से बढ़ते धानी सा 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 सा, यही हो गया आपका पहला लाइन की नोटेशन। अगर आपने ये पढ़ना सीख लिए तो नोटेशन बजाना बिल्कुल इजी बन जाएगा। तो चलिए इसको मावतरण के ऊपर देख लेते हैं कि कैसे प्ले होता है। आपको पता ही है कि कोमल नी मतलब धा को प्रेस करनी होती है। ठीक है, तो धा नी सा मतलब धा और प्रेस करेंगे धा को तो कोमल नी बज जाएगा, हो गया आपका धा नी धा कोमल नी। फिर सा धा नी सा धा कोमल नी सा
धानी सा, इसको ही दो बार बजाना है, तो धानी सा बिल्कुल इजी, और मैं धीरे धीरे बजा रहा हूँ, सीखने के टाइम धीरे धीरे सीखेंगे फिर ओरिजिनल स्पीड को पकड़ेंगे। धानी सा, इसके बाद क्या था, सा 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 सा, इसमें लोग जो गलती करते हैं, लोगों को पता तो होता है कि चार सा बजना चाहिए, पर लोगों को क्या लगता है जब बजाने के टाइम वो चार सा बजा रहे हैं पर चार सा बजता नहीं है, लोग एक ही सा को पकड़ के रखते, ठीक है, ऐसे कुछ बजाते हैं, तो ये गलत है। तो जब भी आप कीजिएगा तो ये चार जो सा है, सा 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 सा, ये सुनाई देना चाहिए, ठीक है। चार सा सुनाई देना चाहिए। और अगर किसी को तकलीफ आया है इसमें कि चार सा बजाने में प्रॉब्लम आया हो या फिर कुछ, तो आप अलग से सरगम में प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं प्रैक्टिस आपको बोल देता हूँ कि आप चार चार करके नोटेशन प्रैक्टिस कीजिएगा, सा टू सा, चार चार सुनाई देना चाहिए, ठीक है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो ये नोटेशन तो आपसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो क्या सीखे हम लोगों ने, धानी सा 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 सा, बस ये हो गया आपका पहला लाइन की नोटेशन। अभी चलते हैं सेकंड नोटेशन पे, सेकंड लाइन हो गई आपकी पहले लाइन की नोटेशन, क्या धानी सा 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 सा, और लाइन क्या थी, क्षमा कहे परवाने से, तो धानी सा 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 सा, क्षमा कहे परवाने से फड़े चला जा। तो इसके लिए जो नोटेशन है सेकेंड लाइन के लिए वो है आपका, धा से स्टार्ट होती है, धासा फड़े चला जाए, धासा रे गाड़े रे गाड़े, बस ये ही है आपके नोटेशन, ये सब अपर में रहेगी और आपको दे देनी है, ये टाइम बार की जरूरत हो गया आपका, इसमें टाइम बार पड़ जाएगा, बस धासा रे गाड़े, ठीक है। तो धानी सा 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 खींचना है, 1-2-3, तो 3 नोटेशन गैप है, और इसमें आप वाइब्रेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि नोटेशन गैप जब ज़्यादा हो 2 से तो ऑब्वियसली आप वाइब्रेशन कर सकते हैं, तो इसमें आपका 3 है, 1-2-3, तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं, ठीक है। तो धानी सा 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 सा, धासा धासा रे गाड़े, देखिए बिल्कुल इजी वाला नोटेशन है, धासा, ये तो सब आपको पता ही है, धा कहाँ है सा कहाँ है, बस आपको कोमल गा भी पता है, रे को प्रेस करने से कोमल गा आती है, ठीक है। तो रे और कोमल गा की जो पोजीशन है वो एक ही होल में रहेगी, और ये जो है मैंने जो दिए ये अपर ऑक्टेव कहलाती है, ठीक है। तो जो भी आप बजेंगे अपर ऑक्टेव या फिर हायर ऑक्टेव में बजेंगे, तो धासा रे गाड़े, और ये जो 3 जो नोटेशन है, ये 3 नोटेशन कहाँ बजेगा, एक ही होल में। अगर आप देखेंगे रे नॉर्मल है, फिर कोमल गा है, मतलब रे को प्रेस करनी है, और फिर रे मतलब छोड़ देनी है, ठीक है। तो ये पूरा जो है एक ही होल में बजेगा, और इसी के साथ आगे जाके हम लोग ट्रिक्स भी सीखेंगे, इसी पॉइंट पे ट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही होल में है एंड क्लोज टू ओपन जा रहा है, तो इसी कारण इसमें एक ट्रिक्स पड़ता है, पर पहले का जो काम है वो नॉर्मल काम है। तो पड़े चला जाए, तो धासा रे गाड़े खींचना है, और ऑब्वियसली इतना सारा हेड है तो आप ऑब्वियसली इसमें वाइब्रेशन डाल सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं सेकेंड लाइन हारमोनिका के ऊपर कैसे प्ले होती है, आपकी धासा रे कोमल गा रे, ठीक है, और हायर ऑक्टेव की है, ठीक है। तो हायर में जाएंगे, धासा रे कोमल गा रे, ठीक है, इजी है, रे को प्रेस कर देंगे, रे को प्रेस करके आपको खींचना है, तो आपका कोमल गा बच जाएगा, तो 2 जो लाइन हम लोगों ने अभी सीखे, तो उस 2 लाइन को अभी आपको कॉम्बिनेशन कर देना, मतलब कंबाइन कर देना है, और दोनों को एक साथ प्ले करना है। हो
ओके, ये दो लाइन हम लोगों ने सीखे, धीरे धीरे बजा लिए। एक चीज आपको याद रखनी है, पहला लाइन का जो लास्ट है सा है, ठीक है, और उसके बाद धा से स्टार्ट है। तो सा के बाद मैंने जैसे आपको दिखाया कि तीन डैश है, तो उसमें तो आप वाइब्रेशन जरूर डालेंगे, पर आपको एक चीज मैं हमेशा जो बोलता हूँ, वो एक लाइन की एंड है ना, तो आपको एम्पलीट्यूड भी जीरो की तरफ ले जानी है, टेंस टू जीरो, ठीक है। आप सा को चढ़ा के मत रखिएगा, लाइक फिर नेक्स्ट लाइन, ऐसे नहीं, सा को चढ़ा के मत रखिएगा, सा को आप खत्म कीजिए, फिर नेक्स्ट लाइन को चढ़ाइए, ठीक है। मतलब पहला लाइन चढ़ते चढ़ते आया आया खत्म हुआ, सा के खत्म होते होते फिर नेक्स्ट लाइन उठता है, ठीक है, फिर ऐसे पर्वत की तरह खत्म होते होते फिर नेक्स्ट लाइन, फिर खत्म होते होते नेक्स्ट लाइन। तो जो एंड रहेगा उसमें आपको एम्पलीट्यूड टेंस टू जीरो करनी है, ठीक है, पूरा जीरो नहीं भी करेंगे तो टेंस टू जीरो करेंगे, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि फ्लो में आप बहा दीजिए, लाइक दैट, ठीक है। तो पहले लाइन का एंड तक करते करते आप सेकेंड लाइन को पकड़िए, सा को चढ़ा के मत रखिएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड क्या है, बहुत डैश थी तो आपको बहुत सारा खींचना है, ठीक है, और खत्म करना है। फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन थर्ड लाइन कैसे बचे। चलिए अभी हम लोग थर्ड लाइन को लिखते हैं, ठीक है। तो क्षमा कहे परवाने से बड़े चला जा, हो गया। इसके बाद मेरी तरह जल जाएगा, तो गाड़े सा, इसमें नोटेशन जो है आपका वो बसता है, कोमल गा से स्टार्ट होती है, ठीक है, अपर की कोमल गा से, तो वैसे ही जैसे धानी सा था, इसमें आपका गाड़े सा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे तरीके से, पर गाड़े सा बचती है आपका, गाड़े सा टाइम बार पे रुकेंगे नहीं, तो गाड़े सा बोलेंगे, ठीक है, गाड़े सा, और उसके बाद सा साढ़े और सा, बस ये है आपकी नोटेशन चार बीट, ठीक है। तो गाड़े सा गा गाड़े सा सा साढ़े सा सा, फिर नेक्स्ट लाइन आएगी, ठीक है, बाद में लिखेंगे। तो कोमल गा से स्टार्ट है, कोमल गा मतलब आपको रे को प्रेस करनी होती है, ठीक है, तो कोमल गा रे सा फिर कोमल गा रे सा, तो जो कोमल गा रे सा आपने बजाए उसी सेक्शन को रिपीट कर देंगे, कोमल गा रे सा फिर सा साढ़े सा, इसमें बस क्रोमेटिक नोट्स क्या है, कोमल गा जो किया है आपका रे को प्रेस करके आपको खींचना है, आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है, ब्लो नहीं ड्रॉ करनी है, क्योंकि रे कहाँ नोटेशन है, रे नीचे वाला नोटेशन है, तो नीचे वाला है मतलब प्रायोरिटी जगह होल को, तो आप ड्रॉ करेंगे रे को प्रेस करके ड्रॉ करेंगे तो आपका कोमल गा बच जाएगा। तो चलिए हारमोनिका के ऊपर देख लेते हैं, गाड़े सा सा साढ़े सा सा, तो कोमल गा रे को प्रेस करना है, कोमल गा रे सा, तो कोमल गा मतलब रे प्रेस हायर ऑक्टेव की, कोमल गा रे सा, सॉरी इसको ही दो टाइम करनी है, तो कोमल गा रे सा, हो गया आपका गाड़े सा, इसके बाद सा साढ़े सा को खींचना है, सा साढ़े, मुझे बोलिए गाड़े सा साढ़े, सा लास्ट में खत्म होता है। तो पूरा लाइन क्या बना, गाड़े सा सा साढ़े सा सा, सॉरी खत्म हो जाता है, ठीक है, तीनों लाइन आपने कर लिए बिल्कुल इजी तरीके से। लास्ट लाइन और भी इजी है, चलिए बोर्ड के ऊपर देख लेते हैं। और लास्ट लाइन जैसे हम लोगों ने देखे कि मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, ये बजेगा लास्ट लाइन, ठीक है। तो इसके लिए जो नोटेशन बजता है वो ऐसे बजता है कि पा, पा से शुरुआत होती है नोटेशन की, तो पाधा पाधा सा कोमलनी और लास्ट में आपका धा, ये हो जाता है आपकी पहले लाइन की, सॉरी लास्ट लाइन की एंडिंग।
ठीक है, इसके बाद भी नोटेशन है, कैसे कनेक्ट करेंगे वो बाद में देखते हैं कि बार, बट लास्ट लाइन की जो एंडिंग है वो इतना थोड़ी है, ठीक है, पाधा पाधा सानिदा। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो आपको एक चीज जरूर दिखाई देगा, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, हाँ अभी सही है, ठीक है, पहले लाइन के जैसा आपका थर्ड लाइन, ठीक है, और सेकेंड लाइन के जैसा आपका फोर्थ लाइन। तो ये चीज आप कनेक्ट कर सकते हैं कि पहले लाइन जैसे बजाना था थर्ड लाइन वैसे बजाना है, और सेकेंड लाइन जैसे बजाना थे फोर्थ लाइन भी वैसे ही बजाना है, तो चीजें और भी आसान बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो लास्ट जो लाइन है वो पाधा पाधा सा कोमल नी धा, कोमल नी धा, तो कोमल नी मतलब धा को प्रेस करनी होती है, और फिर धा को हम लोग मतलब छोड़ देंगे तो धा बच जाएगा। तो इसी सेक्शन में फिर वैसे ही ट्रिक्स आएगी, क्योंकि क्लोज टू ओपन जा रहा है ये एंड सेम होल, तो इसी सेक्शन में ट्रिक्स आएगी। तो कहाँ ट्रिक्स आया था, इधर ट्रिक्स आया था सेकंड लाइन पे, वैसे फोर्थ लाइन पे भी लास्ट में ट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो हम लोग बाद में ट्रिक्स देखेंगे, पहले नॉर्मल देखते हैं कि पाधा पाधा सा नी धा कैसे बचता है हारमोनिका के ऊपर। तो शुरुआत कहाँ से होती है नोटेशन, पा से, पाधा पाधा सा कोमल नी धा, बस बिल्कुल सिंपल, कोमल नी मतलब धा प्रेस और ड्रॉ। पाधा पाधा सा कोमल निधा, पाधा पाधा सा निधा, ओरिजिनल स्पीड पे चलते हैं। आपका खत्म हो जाता है पूरा जो अंतर है वो पहला टाइम खत्म हो जाता है। अभी नेक्स्ट टाइम पे आते हैं, नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सा ही चेंज है, पूरा ही सेम रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर देते। तो पहले चेंजेस देख लेते कि कहाँ कहाँ है, समझ लेते हैं, उसके बाद बजाएंगे, ठीक है। तो चलिए बोर्ड के अभी ये हो गया आपकी अंतरा की पहला पार्ट, ठीक है। अंतरा सेकेंड टाइम बजता है, बस जब सेकेंड टाइम बजेगा तब थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, तो पहले लिख लेते हैं चेंजेस को और उसके बाद सीखेंगे, ठीक है। मैं ये दूसरे काली लेता हूँ, ठीक है, अब तो अपने कॉपी में लिख सकते हैं दूसरे कली से, मैं ये ग्रीन कली से लिखता हूँ, ठीक है। तो इससे नोटेशन चेंज होती है, देखिए जो कुछ है पहले आप लिख लीजिए और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है आपका कोमल नी, फिर है धा, फिर पा और मा, ठीक है, इसमें जाकर ख़त्म होता है नोटेशन। और इसमें आपको एक सेकेंड ब्रैकेट ब्रैकेट दे देना है, थर्ड ब्रैकेट दे देना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करनी है, पहले आप लिख लीजिए चीज़ें क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें धा 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 ऐसे डैश 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 चार डैश, क्योंकि चार चार करके बीट चल रही है, हो गया आपका। अच्छा, पहले में ऐसे आप टू करेंगे, टू नीचे में टू करेंगे, और इसमें थोड़ा सा हल्का सा देंगे पाधा, पाधा एक साथ बचता है, और इसमें खाली रख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर इधर टू लिखेंगे आप, टू लिखेंगे और इसके साथ आप लिखेंगे सा साढ़े, सा साढ़े हायर ऑक्टेव की, और सा साधा, बस ये है आपकी नोटेशन, सा साढ़े साधा। और एक हल्का सा चेंज है जो है थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन की भी जो लास्ट लाइन है वो सा सा पा पे आकर खत्म होता है, ठीक है, सा पा पे आकर खत्म होती है, बस बाकी सब नोटेशन सेम रहती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग लिख लीजिए क्या क्या चेंज हुआ, देख लीजिए इधर कोमल नी धा पामा, और नीचे पे धा देकर ऐसे डैश है बहुत सारे, ठीक है, चार चार बीटी है, धा फर्स्ट बीट सेकंड बीट थर्ड बीट फोर्थ बीट, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। फिर पाधा है इसमें, पाधा एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ पाधा, और उसके बाद ऐड होते हैं ये सेकंड टाइम इसमें ऐड होती है सा साढ़े और सा साधा हो गया। और थर्ड लाइन में जो एक एडिशन है वो इसमें है सा सा पा, इसमें भी देखिए नोटेशन, नंबर ऑफ नोटेशन अलग हो सकती है पर नंबर ऑफ बीट्स सेम है। कैसे, नंबर ऑफ बीट्स देखिए, इसमें एक बीट फर्स्ट बीट, सेकंड बीट खाली, फिर थर्ड बीट फोर्थ बीट, इसमें देखिए फर्स्ट बीट सेकेंड बीट खाली, थर्ड बीट फिर फोर्थ बीट खाली, तो इसमें दो बीट खाली है बट इसमें एक बीट खाली है। इसमें नोटेशन दो है पहले लाइन में, नेक्स्ट लाइन में नोटेशन तीन है। तो नंबर ऑफ नोटेशंस मे बी चेंज्ड बट नंबर ऑफ बीट्स मस्ट बी सेम, ठीक है, बीट्स आपका सेम ही रहेगा हमेशा। जो गाना चलेगा अगर तीन बीट पे चल रहा है तो तीन बीट पे ही चलेगा, चार बीट में चल रहा है तो चार बीट में चलेगा, दो तीन भी चल सकता है, कॉम्बिनेशन भी बैठ सकता है, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो ये है आपका चेंजेस, तो आई होप आपने लिख लिए। तो अभी समझते हैं कि क्या हुआ, मतलब क्या चेंज करना क्या है वो समझते हैं, ठीक है, ठीके? जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, मतलब जो सेकेंड बार बचता है वो इधर से स्टार्ट किए थे। तो हम लोग खत्म कहाँ किए थे, पाधा पाधा सानिधा, तो वही खत्म है पाधा पाधा सानिधा। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है नीधा पामा बोल के ऐसे आपका ब्रैकेट सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम मतलब ये जो हुआ खत्म हुआ और ये चला जाएगा पहले में, राइट, इसमें खत्म होता है और ये चला जाता है आपका पहले में, ओके। तो
ये जो पॉइंट है ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, ये गाने में नहीं है, हालांकि ये एक इम्प्रोवाइज है आप बोल सकते हैं। ये बहुत सही बैठता है और बेली फ्लुआ सुनाता है अगर आप ऐड करेंगे तो, नी धा पा मा पा धा, और इसको बजाने के स्टाइल क्या है, नी धा पा मा पा धा एक साथ, ठीक है। ये कनेक्टिंग पॉइंट है, दोनों को आप छोड़ भी सकते हैं, आप धा बोलकर छोड़ भी सकते हैं फिर वापस धानी सा से स्टार्ट कर सकते हैं, पर अगर आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करनी है, थोड़ा सा आपको एडवांस में चलनी है, तो आप ये चीज़ को ऐड कीजिए कि नी धा पा मा पा धा, नी धा पा मा पा धा बोलकर फिर जो है वो आप बजाएंगे। तो लास्ट लाइन क्या थी, पाधा पाधा सा नी धा पा मा पा धा, ओके। और उसके बाद इसमें हो गया, ये आपका जुड़ गया, ठीक है, इसके साथ ये वाला जुड़ गया, तो जो लास्ट लाइन थी उसके बाद नी धा पा मा पा धा चलाया, पाधा सेकेंड बीट खाली, और उसके बाद धानी सा से फिर स्टार्ट, धानी सा तक चला, और इसके बाद ये नहीं चलेगा, इसके बाद सेकंड में आना है सा सा रे सा सा धा, ये चलेगी। तो ये सेकंड टाइम की मतलब है, मतलब सेकंड बार में जिसके नीचे लिखा हुआ होगा तो वो वाला ना बजते हुए उसके नीचे वाला बजेगा, ठीक है। जो लिखा हुआ होगा जिसके नीचे वाला, तो नीचे वाला सेक्शन बजेगा, ऊपर वाला सेक्शन बजेगा नहीं, जिसके नीचे लिखा हुआ होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये ऑब्वियसली बजेगा, पर इसके नीचे लिखा हुआ है तो ऊपर वाला सेक्शन ना बजते हुए नीचे वाला सेक्शन बजेगा, ठीक है। तो कनेक्टिंग पॉइंट कहाँ हुआ, और इधर से तो लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे जो हम लोगों ने मॉडिफाई किए सेकेंड टाइम में। तो क्या हुआ, पाधा पाधा सा नी धा पा मा पा धा, धानी सा 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 रे सा सा धा, सा रे सा सा धा, ठीक है। इसको अब आ पढ़ेंगे, आ आ, ये बीट को अब आ पढ़ सकते हैं, सा आ सा रे सा आ सा धा, सा रे सा आ सा धा, सा आ सा रे सा आ सा धा, ठीक है। तो पाधा पाधा सा नी धा पा मा पा धा, आ धानी सा सा आ सा रे सा सा धा, हाँ यही है पढ़ने की स्टाइल। अगर आप फ्लो में पढ़ेंगे तो वो आ सुनाई नहीं देता, वो आपका सा आ सा रे ऐसे सुनाई देता है, और अगर आप तोड़ तोड़ के सीखेंगे तो सा आ सा रे सा आ सा धा ऐसे ही पढ़ता है, ठीक है। तो सा आ सा रे सा सा धा, धा सा रे गा रे, बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, कहाँ है, इधर है। तो ये वाला सेक्शन पूरा सेम रहेगा, ये वाला सेक्शन पूरा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम बजेगा, गा रे सा 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 रे सा सा पा, बस सा सा पा। इसके बाद पाधा पाधा सा नी धा धा, और कुछ नहीं है, ठीक है। सेकेंड टाइम में देखिए, धा बोलकर ये पूरा खींचना है, तो सेकेंड टाइम में ये ऊपर वाला कुछ नहीं बजेगा, सेकेंड टाइम में पाधा पाधा सानी और नीचे गया ये वाला सेक्शन और धा बोलकर पूरा खत्म हो जाता है। ये है आपका चीज है, और इसके बाद आपका मुखड़ा रिपीट हो जाता है, फिर मुखड़ा आप बजा दीजिएगा, मुखड़ा रिपीट ऐसे, ठीक है, मुखड़ा रिपीट। तो ये रहा आपका पूरा जो सेक्शन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ आपके लिए, हाँ अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑब्वियसली अपने कॉपी में आई होप लिख ही लिए हैं, हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं 2 सेकंड की आपको टाइम देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए, तो आई होप आपने ले लिए स्क्रीनशॉट। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो जो हम लोगों ने चेंज किए वो माउतरकन के ऊपर कैसे कैसे प्ले होती है, ठीक है। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से। तो पाधा पाधा सानी धा तो था, ये कनेक्टिंग पॉइंट करके हम लोग इधर तक खत्म करेंगे जो सा साढ़े सा सा धा था, ठीक है। तो नी धा पा मा पा धा, धानी सा सा साढ़े सा सा धा, बस पाधा पाधा सानी धा, और उसके बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे नी धा पा मा पा धा जो ब्रिज है जो हम लोग इंप्रोवाइज किए थे, नी धा पा मा पा धा, नी धा पा मा पा धा, नी मतलब कोमल, नी मतलब धा प्रेस, ठीक है। तो धा प्रेस से शुरुआत होती है वो जो इंप्रोवाइज है, धा को खींचना है क्योंकि डैश है, नी धा नी धा पा मा पा धा,
दो तीन तीन चार टाइम करेंगे तो चले आएंगे, ठीक है? पहले धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद ओरिजिनल स्पीड। अभी जोड़ दीजिए जो लास्ट लाइन आपने सीखे, पाधा पाधा सानी धा, फिर नी धा पा मा पाधा। ओके, पाधा पाधा सानी धा, नी धा पा मा पाधा, बोल के धानी सा 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 रे सा सा धा। तो लास्ट लाइन से करेंगे, सा सा रे सा सा धा। पहले टाइम में क्या था, चार सा था, इसमें क्या है, सा सा रे सा सा धा, क्योंकि लिरिक्स भी वैसे ही है, थोड़ा सा हल्का सा गाने में चेंज है, लिरिक्स तो सेम है, गाने में चेंज है, गाने की जो जो हरकतें बोलती है उसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है? तो एग्जैक्ट अगर आपको बजाना है तो थोड़ा सा चेंज कर देनी है, सा सा रे सा सा धा, सा सा रे सा सा धा। तो पूरा लाइन क्या बना, पाधा से लास्ट लाइन से फर्स्ट लाइन तक, हो गया आपका कंप्लीट हो गया। जो आप मतलब जो आप ब्रिज बनाए, ब्रिज बना के आप सेकेंड टाइम में चले आए। ओके, सेकेंड टाइम में चले आकर भी अंतरा की एक लाइन आपने बजा दिए। अभी जो सेकेंड और थर्ड लाइन है बिल्कुल सिमिलर है, एक चेंज है, तो उस चेंज को हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, इतने दूर तक पहुंच गए, ठीक है? इससे कनेक्ट कर दिए, ये पहला लाइन हो गया कि पाधा पाधा सा नी धा पा मा पा धानी सा 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 रे सा सा धा, हो गया। तो इसके बाद क्या है, धासा धासा रे गारे, ये तो बिल्कुल सेम है, गारे सा सा साढ़े सा सा पा, बस एक पा ऐड करनी है आपको, तो और कुछ करनी करना नहीं है, बाकी पूरा लाइन सेम ही रहेगा, ठीक है? गारे सा सा साढ़े सा सा पा ऐड करेंगे और लास्ट में पाधा पाधा सानी धा बोल के छोड़ देंगे, धा बोल के छोड़ देंगे, वापस मुखड़े पर चले आएंगे, ठीक है? तो गाढ़े सा से हम लोग कभी मावतरण के ऊपर देखेंगे, इस गाढ़े सा कोमल का मतलब रे प्रेस कर। तो पहले के टाइम क्या कर रहे थे, सापा रुक रहे थे, याद है ना, गाढ़े सा सा साढ़े सा सा सामे रुक रहे थे, अभी सा सा पार कर देंगे, फोर्थ लाइन की जो पहला नोटेशन है उसमें आकर हम लोग इसको मारेंगे, ठीक है? तो पा में आकर हम लोग गिराएंगे, तो सा साढ़े सा सा पा, पाधा पाधा सा निधा, खत्म। इसके बाद पैर दीवाना वापस स्टार्ट होती है, बोलकर फिर से आपका पैर दीवाना स्टार्ट हो जाती है और पूरा जो मुखड़ा है वो फिर से बच जाती है, ठीक है? तो ये रहा अंतरा की पूरा जो लेसन, मतलब पूरा जो अंतरा की जो नोटेशन के वाइज हम लोग दो टाइम सीखे और क्या क्या इम्प्रोवाइज थी वो भी हम लोगों ने कर लिए। इसके बाद चलते हैं थोड़ा बहुत ट्रिक्स के ऊपर, हालांकि बहुत सारे ट्रिक्स ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, पर और भी थोड़ा सा ट्रिक्स जो हम लोग स्लाइडर के साथ डालेंगे इस गाने के ऊपर, जैसे मैं बजा रहा था पहले में डेमो ट्यून के तौर, तो उसी जो ट्रिक्स है उस ट्रिक्स की बहुत सारी चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड के ऊपर और देखते हैं कि पहले ट्रिक्स होता कहाँ है और क्यों होता है, पहले थ्योरी को समझते उसके बाद एप्लीकेशन को समझेंगे इस स्लाइडर के साथ इस हारमोनिका के ऊपर, ठीक है? तो चलिए देखिए ट्रिक्स मैंने आई होप सभी ने तो लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो क्योंकि अभी गंदा होने वाला है क्योंकि अभी मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो देखिए क्या होती है चीज, ट्रिक्स कहाँ है, पहले लाइन में वैसे कुछ खास ट्रिक्स नहीं है, ठीक है? सेकंड लाइन में आते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये जो सेक्शन है रे कोमल गा रे, तो ये जो सेक्शन है आपको पता है रे को प्रेस कर देंगे तो कोमल गा, फिर छोड़ देंगे तो डे। तो एक्चुअली ये जो सेक्शन है कोमल गा डे एक्चुअली आपकी क्या सेक्शन है, क्लोज टू ओपन, अगर आप देखेंगे तो ये क्लोज वाला नोटेशन है और ये ओपन वाला नोटेशन है, तो आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि क्लोज टू ओपन विथ सेम होल नंबर 0.5 ट्रिक्स आप बोल सकते, ठीक है? मतलब हाफ प्रेस करेंगे आप, तो उस हिसाब से बस ये बस आपको समझाने के लिए मैं एक नाम दे रहा हूं, वैसे कुछ नाम नहीं है इसकी, ठीक है? पर समझाने के लिए एक नाम देना जरूरी होती है क्योंकि इसमें भी हम देंगे एंड सेम देंगे, ठीक है? तो क्या है, क्लोज टू ओपन विथ सेम होल 0.5 स्केल ट्रिक्स,
ठीक है, मतलब हाफ प्रेस करके हम लोग छोड़ेंगे। तो कोमलगा रे इसमें भी लगेगा, कोमलगा रे, क्योंकि सेम होल नंबर एंड आपकी क्लोज टू ओपन जा रही है, और इसमें भी लगेगी आपका, क्योंकि इसमें भी क्लोज टू ओपन जा रहा है और सेम होल नंबर, मतलब सेम होल में ही दोनों बचता है। ठीक है, तो कोमलगा रे को पहले देखेंगे, उसके बाद पादा पादा सानी धा में देखेंगे। तो धासा धासा रेगा रे को देखते हैं पहले। देखिए जैसे मैंने बोला कि एक ही होल में बजेगा और हाफ प्रेस करनी है, तो क्या करना है, चीजें हाफ प्रेस करके छोड़ना है। ये ट्रिक्स, क्या ट्रिक्स मारे देखिए, धासा धासा रे गाड़ी, तो रे गाड़ी को बजा रहे, ठीक है, रे कोमल गाड़े, अगर नॉर्मल बजता रे कोमल गाड़े, अगर ट्रिक्स पड़ेगा तो क्या कर रहे चीजें, एक्चुअली आपका चीज क्लोज था, तो क्लोज से डायरेक्ट ओपन नहीं कर रहे, मतलब फुल ओपन नहीं कर रहे, क्लोज से हम लोग, एक क्लोज था शायद आप क्लोज मान लीजिए और ये ओपन है, तो क्लोज से हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ ओपन, हाफ क्लोज और फिर फुल ओपन। तो इसी चीज को अगर आप फास्ट करेंगे तो वैसे बजेगा। तो पहले धीरे करते हैं कि हाफ ओपन, हाफ क्लोज, फुल ओपन। तो ये रहा आपका कोमल का, क्लोज था, देखिए मैंने हाफ ओपन करके हाफ क्लोज करके फिर फुल ओपन किए, एक क्लोज था, गाड़े गाड़े। ओके, तो वही सेक्शन है, इसी को अगर आप थोड़ा सा फास्ट कर देंगे तो वैसे मतलब अब बिल्कुल मधुर सा साउंड निकलती है ना, सॉरी, सेम ट्रिक्स, सेम ट्रिक्स आप लास्ट लाइन में भी मारेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया उसमें भी आपका क्लोज टू ओपन जा रहा है, सेम होल नंबर एंड आप 0.5 स्केल की जो ट्रिक्स है, मतलब आपको हाफ मारना है, जैसे मैंने बताया ये मेरा दिया गया नाम है, ये ऐसे कुछ नाम नहीं होता, ठीक है, बस आपको समझाना है और आपको समझना है, बस वही चीज है। तो पाधा पाधा सा कोमल निधा था, तो कोमल निधा मतलब, कोमल नि मतलब धा प्रेस और नॉर्मल धा मतलब क्लोज टू ओपन जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल ट्रिक्स के साथ। ठीक है, क्लोज था, ओपन करते करते क्लोज करके पूरा ओपन, ये इजी है रेदर देन द अदर, मतलब और भी होता है, मतलब ओपन टू क्लोज भी होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा कठिन है ये, मतलब उससे तो कंपेरेटिवली ये इजी है, तो ये आप कर सकते हैं, अपने आप पे भरोसा रखिए और सीखिए चीज़ों को और करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नॉर्मल गाना तो आप बहुत सालों से प्ले कर रहे हैं और यूट्यूब में तो बहुत सारे नोटेशन वैसे ही मिल जाता है, गूगल में भी मिलता है, पर जो चीज़ें सीखने की है ना वो यही सब चीज़ें हैं, यही सब चीज़ों को जो आप अगर आप सीख पाए तो आपको दूसरे इंसान के साथ आपका जो डिफरेंशिएट वो इसी सब चीज़ों से आपका डिफरेंशिएट क्रिएट होती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप सीखेंगे और अगर ढंग से प्ले कीजिएगा तो लोग सामने से आकर आपको बोलेंगे कि भाई साहब क्या बजा दिए, क्या खूबसूरत बजा दिए, ठीक है, तो देखिए मैं इधर से कर रहा हूं, ठीक है, आप इधर से भी कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी करते हैं, तो जो आपको सही लगे, जो आपको मतलब कंपैरेटिवली इजी लगे वो उसी चीज को आप पकड़ेंगे। ओके, तीन प्रोसेस मैंने दिखा दिया, किसी भी प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए हम लोग अभी नेक्स्ट ट्रिक्स के तरफ चलते हैं, तो ये वाला तो सेक्शन क्लियर हो गया आपका, ठीक है, क्लोज टू ओपन वाला बहुत अच्छा ट्रिक्स था, अभी आते हैं ये सेक्शन जो सेकेंड टाइम में बजता है ना, सा सा रे, रे के ऊपर मैंने ऐसे कर दिए रे के ऊपर और धा के ऊपर ऐसे कर दिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रिक्स हो गया और ये होता है आपका, मैंने हर टाइम सिखाया टचिंग नोटेशन पार्ट टू, इसका मतलब है, मतलब इसके इस गाने के लिए ये एक्चुअली मतलब है ट्रिक्स, पर इस गाने के लिए ये टचिंग नोटेशन पार्ट टू बजेगा, तो एक्चुअली रे के लिए बजेगा रे मा रे, रे के लिए बजेगा अपर ऑक्टेव की रे मा रे,
और धा के लिए बजेगा धानी धा। और एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आपने रे में ट्रिक्स मार दिए मतलब सा सा रे मा रे मार दिए तो आप धा में ट्रिक्स नहीं मारेंगे, ठीक है। और अगर आप रे में ट्रिक्स नहीं मारे तो आप धा में ट्रिक्स मारेंगे, मतलब ऑल्टरनेट, अगर इसको मारे तो इसको नहीं मारेंगे और अगर इसको मारे तो इसको नहीं मारेंगे। अगर मतलब दोनों में मार सकते हैं, बट चीजें एक्सैगरेट हो जाता है, मतलब आप जरूरत नहीं है जरूरत से ज्यादा ट्रिक्स मार रहे, ठीक है, तो गाना खराब हो सकता है। तो इसलिए कम मारेंगे इसमें, मतलब इसमें मारेंगे तो इसमें नहीं मारेंगे, इसमें मारेंगे तो इसमें नहीं मारेंगे, ठीक है। तो धानी सा 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 रे ये कर रहा हूं, मतलब ट्रिक्स मारो, तो धानी सा 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 रे सा सा धा नॉर्मल छोड़ दिए। और अगर रे को नहीं मारेंगे तो धा में ट्रिक्स मारेंगे, धानी सा 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 रे सा सा धा लाइक दैट, ओके। तो चलिए मावतरकंड के ऊपर देख लेते हैं कि कैसे बजता है, बिल्कुल इजी है। तो धानी सा 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 रे, पहले में हम रे में ट्रिक्स मारेंगे, धा में नहीं मारेंगे, सा सा रे मारे, ओके, सा सा रे मड़े सा सा धा। और अगर रे में नहीं मारेंगे तो धा में मारेंगे, बस दोनों में आप ऑल्टरनेट करके मार सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज भी आप याद रखिए, ये जो अंतरा आपने सीखे ये अंतरा वन है, राइट, अंतरा टू भी आती है, अंतरा टू भी आता है और अंतरा टू सेम नोटेशन है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर इसमें रे में मार रहे हैं आप तो उसमें आप धा में मारेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है तभी चीजें अलग सुनाता है, थोड़ा सा अलग सुनाता है तो लोगों को लगता है क्या ना क्या क्या कुछ हो गया, पर क्या कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो लोगों को लगता है, पर आपको पता है कि आपने क्या कुछ नहीं किए, बस आपने हल्का सा चेंज कर दिया और स्मार्ट खेल गए, ठीक है। तो क्या किया आपने, पहला जो अंतरा वन है आप मान लीजिए, पहला अंतरा वन में आप रे में देंगे, धा में नहीं देंगे। जब सेकेंड अंतरा आएगा, मतलब जब सेकेंड अंतरा की टाइम आएगा, जब लिरिक्स चेंज हो जाती है, तब आप रे में नहीं डालते हुए आप धा में डालेंगे, बस ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये गया रे में, और धा में अगर बस दोनों में आप डाल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग में अलग अलग डालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट में चलते, देखिए अभी तक हम लोगों ने दो तरीके का ट्रिक सीखे, एक सीखे क्लोज टू ओपन इसमें, और एक सीखे टचिंग नोटेशन पार्ट टू जो इसमें लगा, ठीक है। इसी जो दो तरीके का मतलब मेथड वन एंड मेथड टू जो हम लोगों ने सीखे, इस मेथड वन और मेथड टू दोनों लगता है थर्ड नंबर लाइन पे, थर्ड नंबर लाइन पे आपका दोनों एप्लीकेबल होता है, कैसे देखिए। देखिए इस सेक्शन को आप नोटिस कीजिए, गाड़े सा, ठीक है। तो गाड़े सा के लिए गाड़े जो सेक्शन है ये आपका फिर से वैसे ही सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, मतलब ए क्लोज टू ओपन वही 0.5 स्केल जाएगा, इसमें फिर से गाड़े सा है, फिर से गाड़े सा, तो इसमें गाड़े जो सेक्शन है दोनों में, तो इसमें वो ट्रिक्स जाएगा, कौन से वाला, मेथड वन जो हम लोगों ने सीखे 0.5 स्केल क्लोज टू ओपन सेम होल नंबर, और जो ये रे है इसमें आप दीजिएगा टचिंग नोटेशन पार्ट टू, ठीक है, सा सा रे सा सा। अच्छा क्वेश्चन रहता है कि बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स को क्वेश्चन रहता है कि सर हम लोगों को कैसे पता चला कि कहाँ पर हम लोगों को डालना है ट्रिक्स। देखिए अभी आप मेरे बात सुनते हुए जाइए और कम से कम आप 20 से 25 गाना उठाते हुए जाइए, मेरे हिसाब से, मतलब मेरा जो नोटेशन है उस हिसाब से आप उठाते हुए जाइए, तो आपको सुनते 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 एक टाइम खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कहाँ डालना है और कहाँ नहीं डालना है और कहाँ ज्यादा हो जा रहा है, ये सब कुछ सुनने के ऊपर है। ये कोई रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको नहीं आएगा कभी भी, ये आ जाएगा, बस ये आपका अंदर से आना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए जाइए, आगे जाके 20-25 गाना जब आपका हो जाए, मेरा नोटेशन याद रखिएगा, मेरा नोटेशन अगर आपका हो जाए तो, मतलब मैं जैसे तरीके से सिखाता हूँ, अगर आपका हो जाए तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कैसे कैसे नोटेशन को कहाँ का ट्रिक्स डालना है, कहाँ ज्यादा डालना है और कहाँ कम डालना है और कहाँ नहीं डालना है, ठीक है। तो इस लाइन का जो थर्ड वाला लाइन है वो मेथड वन लगा इसमें और मेथड टू लगा इसमें, तो इसमें हम लोग सेम होल नंबर वही करेंगे 0.5 स्केल ट्रिक्स, और इसमें सा सा रे जो है रे के लिए हम रे मा रे मारेंगे, ठीक है, रे मा रे करेंगे, ठीक है। तो गा रे सा 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 रे, ठीक है, ये कर रहा हूं, मतलब ट्रिक्स डाल रहा हूं, ठीक है। तो गा रे सा 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 रे सा सा, तो गा रे सा में डालेंगे सेम ट्रिक्स, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड, ओके, और उसके बाद सा साड़े में डालेंगे, सा साड़े,
सा सा पादा पादा सा निधा वही क्लोज टू ओपन फ्रिक्स लास्ट ट्रिक्स, ये आज के लास्ट ट्रिक्स है। क्या किए मैंने, खत्म कहाँ किए, पाधा पाधा सा नी धा, नेक्स्ट टाइम धा में ही खत्म होता है। अंतरा की जो खत्म है एंडिंग है वो धा में होता है। पर आपको ये भी याद है मुखरे की जो शुरुआत है, अगर आप नोटेशन ओपन करके देखेंगे मुखरे की शुरुआत भी धा में है। तो इसमें आप दो चीज कर सकते, एक चीज तो बहुत सिंपल जो हर लोग करती है, देखिए मतलब पाधा पाधा सानी धा बोल के आपको छोड़ देना है, उसके बाद धा से पकड़ सकते हैं बोल के फिर से जो नोटेशन है वो आपको बजाना है, ठीक है। ये चीज नॉर्मल हो गया, थोड़ा सा अगर इम्प्रोवाइज करेंगे तो आप धा को छोड़ेंगे नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आप क्या करेंगे धा में हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे, मतलब धा बजाते बजाते आप अगर प्रेस कर देंगे तो धा ही बज रहा है, हल्का सा ऐसे सुनाई देगा, ठीक है। कैसे, ओके, तो धा बजते बजते अगर आप ऐसे कर दिए तो धा ही बजता है, थोड़ा सा हल्का सा लगता है कि कुछ अलग बज के फिर से गाना स्टार्ट हो रहा है मुखरा से। तो अंतरा और मुखरे के बीच में अगर आपने वो वाला मार दिए तो डिवाइड हो गया कि अंतरा उधर तक था, उसके बाद मुखरा बज रहा है, ठीक है। बोल के जो है वो आपको बजाना है, ठीक है। सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने सिखा दिए। और लास्ट में मैं बोल रहा हूँ कि मैं सब लोगों के पास मैं समझ चाहता हूँ कि बहुत लेट के बाद ये ट्यूटोरियल आया, क्योंकि मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था, ठीक है। तो जो डॉक्टर है वो बोले थे कि बात बात नहीं करने के लिए, तो कम से कम एक महीने डेढ़ महीने तक तो मैंने जो मेडिसिन है मेडिसिन लिए, अभी थोड़ा बहुत ठीक है। तो ये मैं लास्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग प्यार दीवाना होता के लिए बहुत एक्साइटेड थे और कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहा था मेरे पास यूट्यूब से, नॉर्मल मैसेज आ रहा था कि सर वीडियो बनाइए, ट्यूटोरियल बनाइए, ऐसे बनाइए बहुत दिनों से। पर ये जो है यही मतलब कंडीशन था, इसलिए मैंने नहीं बना पाया। तो जो भी हो, आई होप आपने एंजॉय की है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा कि कैसा लगा आपको प्यार दीवाना होता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो ग्रुप क्लास चल रहा है, मेरा चल रहा है, दूसरे सर भी ज्वाइन किए ग्रुप क्लास, इंडिविजुअल क्लास, सब कुछ चल रहा है एकेडमी के ऊपर। तो वो आप जो आपका नंबर दिख रहा है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के ऊपर, तो उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक ही नंबर है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन कीजिए और आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। बहुत कुछ सीखने को है, आगे जाके हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। चलिए, टेक केयर, सभी लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा, हैप्पी विंटर, ठीक है। चलिए, बाय, टेक केयर।